तो आपकी जो तैयारी करो बढ़िया से और ज्यादा पास करो नेक्स्ट टाइम के लिए वो बात करता है ना कि वो अच्छा चलिए क्यों ये देखिए क्या कर रहे हो ये तो समझने वाली बात है समझो तो नेक्स्ट टाइम की होगी कि लास्ट समझ लीजिए उधर तो नहीं मिला था उधर आज एक तो मुझे उनके सभी के नंबर जो विकास जितने भी आते थे ना तुम लोग और फिलहाल उधर से नहीं है ना ये है ये गेम में तो इसे सेट भी काफी से मजा आ रहा है ठीक है तुम्हारा भी तो कल उधर ही जाओ वहां मैं भी है इंग्लिश भी तो और सब तो इसलिए नहीं है क्यों उसकी मिलाप आपसे किसी और की थी
मैं पढ़ा रहा था उसमें नेशनल एमरजेंसी पढ़ा रहा था, तो नेशनल एमरजेंसी तो हो गई थी आर्टिकल 352 फिर बताया था प्रेसिडेंट रूल, ये हो गया था प्रेसिडेंट रूल। तो राष्ट्रपति शासन में दो आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 355 और एक आर्टिकल 365, दोनों में क्या डिफरेंस है? चुप हो जाओ भाई। आर्टिकल 365 क्या था? बिल्कुल स्टेट को क्या है, राज्य जो अध्यात्मिक वीडियो नहीं,
तो आवाज सुन सकते हैं जनरली अपनी भाषा में समझे। आपने एक प्रश्न पूछा और मेरी बीजों का क्या होता है रुकना, बीजों मेरी पावर है, तो मैं उस प्रश्न पर अपना कोई भी बीज नहीं दिया। आपने प्रश्न पूछा, मैंने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो ले क्या बात हुई, तुम्हारी पावर नहीं है तो तुम्हें देना होगा। तो इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया इस बीजों को खत्म। दूसरा अब मैंने तुम्हें वो बिल वापस दे दिया या प्रश्न मैंने क्या करा तुम्हें वापस दिया कि तुमने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न में कुछ ना कुछ खामियां हैं, क्लियर है? तो वापस साथ में मेरे पास से भेजा, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीडियो निलंबन कर पुनर्विचार। मैंने क्वेश्चन वापस कर दिया आपके पास, आपने भी वापस दे दिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ही मतलब ये क्वेश्चन ही है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था तो दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में राजस्थान और सारे जहां से अच्छा वो किस डिप्टी ने करा, तो ये आपने मुझसे पूछा, ये प्रश्न है मैं इसका उत्तर दूंगा। मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, तो ये तो मेरी पावर है, मैं वापस आकर बैठे तुमने जो प्रश्न बनाया है ये सही है, वापस बोले नहीं इससे प्रश्न से यूज सही है उत्तर दो। तो कोई बताया था आपसे राजस्थान और सारे नाम से ये भी कह रहा था 15 अगस्त 1947 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब पुनर्विचार के बाद मुझे क्या अब आंसर देना है, क्लियर? ये कौन सी होगी, सस्पेंसिव पुनर्विचार के बाद क्या देना है आंसर देना जरूरी, कौन सी चीजों सस्पेंसिव। अगर मनी बिल है और अमेंडमेंट बिल है तो मुझे तो वापस करना ही होगा, वापस क्लियर है? तो समझ आया हो, तो 15 अगस्त 1947 को दिल्ली की सेंट्रल एजेंसी का संधि में किसने सारे जहां से खराया था, इसमें पहला ऑप्शन मोहम्मद इकबाल ही होगा, पहला ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल ही होगा, जबकि मोहम्मद इकबाल नहीं कौन है एसएस। ये जो कौन सी थी सस्पेंस, अब इसमें एक प्रश्न होता है जब पुनर्विचार के बाद बिल राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वो बिल किस मेजोरिटी से पास होना जरूरी है, जब बिल वापस मेरे पास आया वो बिल अब लोकसभा और राज्यसभा में किस मेजोरिटी से पास होना जरूरी है, तभी वापस आया बाय सिंगल मेजोरिटी या किसी से मेजोरिटी या किसी से मेजोरिटी प्लस मैंने आपको वापस कराना, मैंने प्रश्न किया आप प्रश्न लेकर आए ये वाला प्रश्न, तो मैं बना सकता हूँ प्रश्न का, ये तो मेरी पावर थी कि मैं नहीं बता, मैंने वापस से बेटे प्रश्न में कुछ खामी है, प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, तो आप मेजोरिटी के साथ से आके तो बोला अब इसमें क्वेश्चन क्या है, मुझे आंसर देना मैं भी क्लियर, अब
हाँ इससे तो नहीं पहले गया, पहली बार में तो आप सारे ने एक प्रश्न बोला, हम एक प्रश्न है लोकसभा के और राज्यसभा में, आपने प्रश्न से कहा है मैं बना तो प्रश्न ये लोग मैंने तो आप एक बार प्रश्न ठीक है ये बार प्रश्न से कहा अब यहां से जोड़ी सेकंड टाइम में जब आप करते हैं अब वो सिस्टम में जोड़ी से सवाल आना चाहिए सर अगर सेकंड टाइम में भेजा अब भी कुछ खामियां हैं तो एक बार प्रश्न एक बार आप प्रश्न करना पहली बार कर दिया बस अब दोबारा नहीं हम तो बात एक बार वापस कर सकता हूँ मैं आपने जो प्रश्न पूछा मैंने वापस कर दिया मेरे पास वापस ले गया है अब मैं दोबारा नहीं कर सकता उस सेकंड से तो उसे सवाल करना जरूरी है मैं हाँ पॉकेट वीटो कर सकते हैं पुनर्विचार के बाद तो पास करना जरूरी है पॉकेट वीटो तो प्रश्न है पुनर्विचार के बाद नहीं पॉकेट वीटो तो आप नेक्स्ट वो किसी पॉकेट वीटो में आप प्रश्न देखा है ना यस ना नो अब मैंने वापस लिखे ना कि पुनर्विचार के बाद पॉकेट वीटो में क्या प्रश्न आएगी पुनर्विचार के बाद तो उसे अपना डिसीजन देना ही होगा कंपलसरी तो पॉकेट वीटो का यूज एक बिल आया था पोस्ट ऑफिस वाला उसने बोला कि कोई भी जो अब इस बिल को किसी और रूप में लेके आ
फिर तो कोई बात नहीं, चाहते तो कोई हो जाएगा तो मैं बदल दूंगा। ठीक है, अरे पढ़े लिखे सरकार कहाँ है? आधी जनता को तो पता नहीं है, पढ़ा रहे तो बिल क्या होता है, बिजली का बिल बता देगा। ठीक है सर, बता रहा हूँ, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एमपी, पता नहीं बोला क्या बोला, तीन एग्रीकल्चर भी किसी को नहीं पता था, क्या पता था किसी को, कुछ नहीं पता। तीन एग्रीकल्चर भी जो बिल क्या थे वो बिल क्या थे ये नहीं पता किसी को भी, पता था कोई नहीं क्लास वो बिल दे गया और डब्ल्यू की लॉस बोला हम लोग क्या है कुछ पता ना, बस किसानों के हित में। क्लियर बेटे, ये कौन सी बात थी? ऐसा सस्पेंसिव वीटो के लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं है। अरे आप विशेष कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, अरे आप लोग भी मुझे नहीं पता, अरे भैया मुझे नहीं आता, इतना ज्ञान नहीं है मुझे, कम आता। चलो चलो मैं बता दूंगा, अगर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देगा ठीक है, कोई भी, और मेरे प्रश्न यक्ष के प्रश्न की बना होगा, और तुमने समझता है तो किसी को एक आसान से सदस्य ने ऑर्डर किया, ऑर्डर किया तो पढ़ा था ना, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, क्लियर, कैबिनेट मिशन को कंप्लीट सपोर्ट करने वाला कौन व्यक्ति था? पहला सी राजो महाराजी, दूसरा बी आर अंबेडकर, तीसरा महात्मा गांधी, कौन था? महात्मा गांधी, और चौथे थे अरुणा आशीष टंडन। महात्मा गांधी बेटे अभी इतना पढ़ना नहीं है कि अंदर मन की बात ही पढ़ना है। चलो एक और आसान से चलो बता, माउंट बेटन प्लान को कब एक्सेप्ट किया गया? बड़े आसान प्रश्न से जिन्हें बच्चे बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, पढ़ते ही बड़े आसान है, और ऐसे ही प्रश्न पूछता है एग्जाम में जो आपने पढ़ भी नहीं था है, तब भी उसे आप अटेंड जरूर करोगे क्योंकि आपने माउंट बेटन पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि माउंट बेटन प्लान को कब एक्सेप्ट किया गया। बिल्कुल पहला तो सही हुआ, कब तो वो पाया था, कब? 4 जुलाई, और सुनो जैसे बिताया था ना माउंट बेटन प्लान हुआ है, तो इसको लेकर गए थे पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों से संपर्क पास हुआ और फिर बहुत से संपर्क पास हुआ, तो ये 18 जुलाई को हुआ था, 18 जुलाई जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का सब पास हुआ तब उसी का राज्य हुआ था, वो तो इमीडिएटली 18 जुलाई 1947 यहाँ से भी आगे तो दोनों प्रश्न को बच्चे से पीछे से मारे हुए कि दोनों प्रश्न पीछे से दोनों पावर हमारी होगी, एक तो कौन सी वीटो पावर, कौन सी एक तो सस्पेंसिव है और एक कौन सी बेटे पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो को फर्स्ट टाइम किसने यूज करा था, यानी जनरली 1986 कौन सा बिल था वो, पोस्ट ऑफिस संबंधी एक बिल था। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट में मिलिट्री पावर आर्टिकल 53 का 2 भी तो बताया मनी बिल और अमेंडमेंट बिल के लिए गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं। आप इसका बात तो सही से पढ़ा, मनी बिल को पहले से ही मनी बिल को तो पहले से ही पास करा के लाते हैं और संविधान संशोधन विधेयक को मना कर नहीं सकता,
मनी दिन तो पहले से पास कर रखा है, अभी पढ़ेंगे ना हम जो डेसिंग पावर है उसमें नहीं पास करने के लिए। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, अगर ज्यादा डीपली मेटल है ना तो यहाँ क्या करेगा वो तुम्हारी फंडामेंटल से सहयोगी से सारा सा देगा। अगर वो नहीं मानेंगे डेसिंग एसएससी के मेंबर को बुला लेंगे विधानसभा में, बोला राजस्व सारा समर्थन मिलना आप लोगों से इसलिए कह रहे हैं समर्थन सुप्रीम कोर्ट से
सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मांगने के बाद में क्या ये बातें हैं? नहीं इसमें कंडीशन नहीं, इसमें नहीं थी कंडीशन है, इसमें बिल्कुल इसमें कंडीशन है। ये मना कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अयोध्या के इसमें मना कर दिया अमित जी, बिल्कुल देश हित में है, अयोध्या का मुद्दा देश हित थोड़ी है, वो तो रिलीजियस मैटर है। अब एक प्रश्न पूछा, जो पार्डन पावर है क्षमा शक्ति, वो जुडिशियल पावर बनाती है या राष्ट्र की अलग पावर है? अलग पावर, अलग पावर, लेकिन वो जुडिशियल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन 72 आर्टिकल 72 में बोले क्षमा शक्ति, कोई बताया है इसे क्षमा कौन से है, किसी की सलाह राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है? किसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है? वो व्यक्ति जिसे सेना से क्या कहते हैं जिसे कोर्ट मार्शल हो गया हो, या सेना ने कोई दंड दिया है तो उसको तो माफ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये क्या कर सकता है? फांसी की सजा को माफ कर सकता है। इतने लिखे हैं हर किसी का नाम लिखा हुआ है, आप हो सकते हैं इसे या बताओ मैं तीन तीन होते हैं उसमें, तो एक तो कोई भी सेना ने दंड दिया है, किसने जो भी सेना जो भी हमारा फेडरल कोर्ट है, दूसरा कोई मृतदंड दिया हो फांसी की सजा, जो यूनियनिस्ट है संघ सूची के विषय के अगेंस्ट कोई अपराध कर रहा हो, यूनियनिस्ट समझ रहे हो तीन सूचियां हमारी, तो एक यूनियनिस्ट जो सब्जेक्ट आते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी क्राइम कर रहा है, उस स्थिति में क्या कर दिया जाएगा? उसको माफ हो जाएगा। अब ये माफ कितने दिन बाद होगा? 72 में पांच प्रकार, पहले में पार्डन क्षमा, पार्डन का मतलब क्षमा का मतलब बिल्कुल दोषी को पूरी तरीके से माफ कर दिया, यानी कि उसकी सजा समाप्त हो गई। क्षमा का मतलब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, सदन को फांसी की सजा है मूल मतलब ऐसी सजा माफ होगी क्या? अरे कोई भी कुछ नहीं समझ रहा, उसमें रेडिश है जगत में हमारा जो वो छूटा कर बुजुर्ग और बच्चे, ठीक है, बिना कहते हैं ऐसा उन्हें सहायता किया है जगत, तो उन लोगों को मारा गया है रेडिश, और रेडिश है तो फांसी होनी है, उसे तो फांसी से मेरी दुकान तक जाना नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं जा सकती है, कुछ हमारे देश हैं ऐसे लोग, तो क्या हो गया आर्टिकल 14 कानून सभी के लिए एक है,
बीमार व्यक्ति को फांसी दी जाए
और सुबह के टाइम जाए ब्रह्म भगवान बाकायदा जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसके ऊपर सफरे अपना कोई भी ग्रंथ सुनाने का अधिकार है उस समय में तब उसे सुनाना चाहिए। कोई सिख है तो वो अपनी गुरबानी में कोई हिंदू है गीता रामायण सब ताकि क्या करें उसे शांति अच्छी इच्छा हो तो मुझे पूछते अच्छी इच्छा का मतलब वो ये कि वो उसे
घर पढ़ने के लिए एक लैपटॉप की सुविधा दी है, ठीक है। तो ये बिल पास होने वाला है। अब ये बिल जो है वैलिड कितने महीने तक है? 6 महीने तक वैलिड। और ये पास कितने दिन के अंदर बना लेती है? 6 वीक। तो 6 वीक के अंदर 6 वीक ले जाते हैं शुरू में ही जो पास करना कर दिया आपका बिल। और बिल 19 सब्जेक्ट पर लाया जा सकता है जिस पर पार्लियामेंट लो बना सकती है, बाकी सभी नहीं। नहीं, अरे किसी सरकार का मतलब नहीं पाता, किसी को पता नहीं। जब सरकार जो मोदी जी चाहे थोड़ा समझो, जो उसकी सरकार है भला वो बिल पास कराएगा कैसे? वो बिल कैसे लाने का? वो ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस समझ हो रहा है जिससे किसी को पता ना लगे। बोला पास हो रहा है छोटी, बोला जल्दी हो गया, वो तो बचाना विरोध हुआ तभी तो पता लगा सबको। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट गवर्नर करता है जब वो मंत्रिमंडल की बात ना माने। और मंत्रिमंडल कौन है? कैबिनेट। बोला तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? बोला या तो विदेशी प्रभाव में आ जाए, इम्पीचमेंट का मतलब है संविधान के उल्लंघन का मतलब, हालांकि संविधान ने स्पष्ट नहीं करा तो वो गड़बड़ेगा। किसी के प्रभाव में आ गए राष्ट्रपति हमारे, किसके प्रभाव में? चाइना या रशिया या जापान, या वो कैबिनेट की कोई बात नहीं मान, तो क्या लगाया जाएगा? इम्पीचमेंट लगाया जाएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा इम्पीचमेंट, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट है जो आपको नहीं पता। इम्पीचमेंट तो पता है, इम्पीचमेंट के अंदर कौन होता है? ये देखो कौन सी बात कर देते हो? ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस को कब लाया राष्ट्रपति? अब ऑर्डिनेंस कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, या जुडिशियल पावर है? कौन सी है? लेजिस्लेटिव, विधायी शक्ति है। ठीक है, और क्या करते हैं? एक दिन लेजिस्लेटिव पावर विधायक शक्ति। विधायी शक्ति में एक आर्टिकल 87 की बहुत प्रशंसा है। आर्टिकल 87
सबसे पहले महात्मा प्रोटोन इसी गर्भ को चुना था, प्रोटोन इसी गर्भ को, और महात्मा ने क्या कहा था कि किसी भी जिसी पार्टी की मेजोरिटी हो वो अपना क्या रहे रिप्रेजेंटेटिव, और साथ का पहला सेशन कौन बनाता है राष्ट्रपति, ये किस आर्टिकल में 33 है, ठीक है, प्रोटोन इसी गर्भ को चुनता है राष्ट्रपति का, बिल्कुल है। दो एलिमेंट है राष्ट्रपति का गर्भपति है, राष्ट्रसभा में पहले एलिमेंट नॉमिनेट कौन करता है वो भी राष्ट्रपति करता है, ये सारा क्या है लेजिस्लेटिव पावर, और किसी भी बिल पर राष्ट्रपति कितनी पावर है बिल को क्या रचना हो ये रचना है, और एक महासभा की रचना है, और एक अपने महासभा की रचना है, लेजिस्लेटिव पावर।
ये काफी सारा पावर आपने पढ़ लेना क्योंकि बहुत सारे घर में फायदा नहीं बुक में लिख रखी है सारी आपने पढ़ लेना कुछ लेजिस्लेटिव पावर है कुछ क्या है ऑर्डिनरी पावर है आप पढ़ लेना जो कुछ में कई सारा प्रश्न आते हैं इससे और जो ये है ना लेजिस्लेटिव पावर वो तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लेजिस्लेटिव पावर जो है और किसी भी एरिया को सेटेबिलिटी आया उसका तरीका लगाना किसको है वो भी सेटेबिलिटी है और जिसने भी कमीशन है एससी कमीशन माइनॉरिटी कमीशन सभी के अध्यक्ष को ना रिपोर्ट करता है फिर रिजेक्ट करता है गवर्नर को रिपोर्ट करता है ये करता है और यूनियन टेरिटरी में जहां एडमिनिस्ट्रेटर है वहां भी रिपोर्ट करता है ये राष्ट्रीय यूनियन टेरिटरी ठीक है और फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री और मंत्री को नियुक्ति कौन करता था राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ने किसको दिया बजट फाइनेंस मिनिस्टर को आप पूरा बजट क्या पढ़ेंगे तो ये क्या थी फाइनेंस पावर था एक फंड बताया था मैंने कॉन्सर्वेटिव फंड बताया
इंपीचमेंट प्रोसेस किसी भी शर्त में लाया जा सकता है। महाभियोग और राज्य में संसद के सदस्य चुप हो जाओ। कितने नंबर लाएंगे? 25% लोकसभा के तो बनवाई होने पर इंपीचमेंट प्रोसेस संसद का कोई भी सदन ला सकता है प्रस्ताव। लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकते हैं। कितने मेंबर लाएंगे? लोकसभा का 25% ठीक है, 25% नहीं आना जरूरी। अब यहां से 2/5 क्या है? 5 गुना जरूरी, यानी कि सदन ने राष्ट्रपति को हटा दिया। इस सदन ने क्या कर दिया कि ये राष्ट्रपति सही नहीं है, हम इसे हटाते हैं। अब प्रश्न यह था, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगती है तो राष्ट्रपति किस सदन में भाग ले सकता है? जिस सदन ने महाभियोग लगाया उसमें या दूसरे सदन या दोनों में? तो इसमें तो कभी भी भाग नहीं ले सकता। क्लियर? अभी आ रहा है, जब वो दूसरे सदन में जाएगा तो कितने दिन के अंदर भाग लेना उससे जरूर? 14 दिन के अंदर या 14 दिन बाद? बिल्कुल, अब ये 14 डेज के अंदर अपनी सफाई दे रहा है यहां कि जो आपको गलत फहमियां हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी विदेशी के किसी प्रभाव में नहीं आया। इस व्यक्ति को यहां पर खुद भाग लेने का अधिकार है या कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या भेजने का अधिकार। तो इसे 14 डेज के अंदर कहां आ गया है? कहां पर? राज्य सभा। और 14 दिन के बाद 2/3 मेंबर से पास आना जरूरी है। जब 14 डेज हो जाएंगे बेटा, जब बेटे सबसे पहले दोबारा से सुनो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इंपीचमेंट प्रोसेस किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। जो सदन इस प्रस्ताव को लाएगा उसके कितने वन बाई फोर मेंबर से पास होना जरूरी। वन बाई फोर कितने हो गए? नहीं नहीं, जो लाए प्रस्ताव कितने थे? 25% और एक कितनों से पास होना जरूरी है? 2/3। यानी कि सदन ने क्या कर दिया? कंप्लीटली राष्ट्रपति को हटा दिया। अब राष्ट्रपति किस सदन में आएगा? 14 दिन के अंदर से अपनी सफाई ये खुद जा सकता है या अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या भेज सकता है। और अब 14 दिन बाद यहां से 2/3 से पास होना जरूरी है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ क्यों? नहीं, अगर नहीं हुआ तो खत्म है, कैंसिल। महाभियोग क्यों होगा फिर? अगर नहीं हुआ तो महाभियोग की क्रिया कहां पर? बीच नहीं, रोक दी। क्लियर? न्याय तो वो कहता है कि 2/3 सदस्य से 14 दिन के पास, 14 दिन के बाद पास होना चाहिए। 14 दिन से पहले 14 डेज तक आप आ सकते हो या आप अपना क्या जो भी आपके व्यू है वो आप रख सकते हो। अभी सदन ने बोला नहीं, ये गलत है, ये सही आदमी नहीं है, अभी से हटा रहा हूं। 2/3 से क्या होगा पास? अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है यहां पर तो नहीं हटता है। 2/3 से पास होने 2/3 का मतलब 66% और सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस कितने मैक्सिमम डेज के अंदर?
ऐसा सब लिखा हो कि दो दिन के अंदर यह प्रक्रिया पूरी होनी है, दस दिन के अंदर, 14 दिन के बाद 2/3 मेंबर से पास हो सकता है जरूरी। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा और लगेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं। ये तो प्रकृति हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो उधर राष्ट्रपति एक सीधा साधा व्यक्ति है, वो चुन गई ऐसे जाते हैं, आप उसे देना हो वो चुन गई ऐसे जाते हैं, जो क्या है वो अंधा है, बूबा है, बोला मुझे कुछ दिखाई देता ना सुनाई देता ना मैं कुछ कहूंगा। अरे इन्हें तो पहली घटना जाकर बाहर निकाल दिया, नहीं हाँ वो तो अलग बात है, दोबारा का पीछे से इन्होंने घटना पहले ले लिया और यहाँ चक्कर में दरवाजा था और बाहर आप इतना ज्यादा खोल दिया था आज तो ये भी बहुत बड़ा हमला लगा दिया, यानी कि बीच में प्रोसेस क्या होगा, बीच में रुक गया ना, एक बार बीच में प्रोसेस रुक गया उसके कितने दिन बाद रिपीट, ऐसा कुछ नहीं है लिखा हुआ कि इतने दिन के अंदर दूसरा इम्पीचमेंट आना जरूरी है, तीसरा संविधान को सही से पढ़ना पॉलिटिकल साइंस को, तो अपना पीछे से बताओ करो क्या लिखा है, ठीक है, तो इसे एज ए सब्जेक्ट लो, रिसर्च मत लो, अगर रिसर्च में होगा दिक्कत हो जाएगी, बोला ये हो गया तो ये हो गया, लाई इसलिए क्योंकि दोनों हाउस संसद के तो हैं, जो लाएगा वो सिर्फ प्रस्ताव लाएगा, जांच नहीं करेगा वो, इन्हें बोला जांच ये इधर वाले, बोला यहाँ तो की सफाई हमने तो तुम्हें क्या कर दिया, निकाल दिया, अगर ये लाते अब ये क्या है, अब यहाँ है जल्दी नहीं लेना है, ये भी लास्ट कोई सर की सलाह, बिल्कुल सही, दोनों में यहाँ भी मोटी खाया करते हैं, यहाँ भी मोटी खाया करते हैं, ये लाए तो यहाँ लाएगा, ये लाए तो यहाँ लाएगा, तो 14 दिन के अंदर उसे अपनी बात रखनी या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव देखना का क्या अधिकार है। तो प्रथम अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो उस महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति जो सदन लाया था उस सदन में भाग लेने का अधिकार है या दूसरे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है, या अब बड़े बड़े सेंटेंस देगा, अब बड़े बड़े का मतलब होता था हमें तो छोटा सा सर होगा, बोला भारत के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, यूपीएससी में सोच रहे हो ऐसा नहीं आएगा, वो तो राष्ट्रपति और गवर्नर को मिला कर देगा, राष्ट्रपति और गवर्नर, हाँ दो तो लोकसभा में थे और 12 किसके थे, राज्यसभा, तो लोकसभा में तो है नहीं, हाँ भाग में भाग ले सकते हैं, ले लेते हो, लेकिन मेरे होता है कि जरूरत नहीं है कुछ भी, बिल्कुल ठीक है। आप बेटे क्या बता रहे थे, वो पहली महिला थी, वो क्या नाम था उसका, नहीं नहीं गलती सहले तो, हाँ ठीक है, मुझे उसने जगत सिंह को थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसमें पहले कोई और थी मेरे नाम नहीं आ रहा, ठीक है ये तो सात पांच के नंबर की है, चलो मैं कलर बताऊं, ठीक है समझ आया मुझे, महाभियोग समझ आया, तो भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, क्या कह रहे हो, एग्रीकल्चर बिल जिस दिन विदाई समारोह होगा ना, एग्रीकल्चर बिल का क्या करना, जब मोदी जी ने वापस ले लिया खान का जो जरूरी बना रहे, नहीं ये कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन है बेटे,